तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप IAS में। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूँ और UPSC के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एक हवा है जो पूरी तरीके से इस वीडियो में डिमिस्टिफाई होगा। और UPSC ने जो है अभी अपना 2021 का कैलेंडर जो है वो लॉन्च किया है। तो दोस्तों देखिए, जो प्रीलिम्स के लिए आज से जो है आपके पास लगभग 27/6/2021 तक आपके पास जो है लगभग 314 दिन बचते हैं। 314 दिन अभी आपके पास प्रीलिम्स के लिए हैं। इसके अलावा देखिए, जो आपका मेंस बचता है वो UPSC ने जो मेंस की डेट बताई है आपकी, तो मेंस एग्ज़ामिनेशन वो आपका बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पे मेंस एग्ज़ामिनेशन की डेट वो बताई गई है 17/9/2021। तो यानी कि इन दोनों के बीच के गैप की बात की करें तो 82 डेज़ का गैप यहाँ पे आपके पास जो है बहुत ही कम जो है गैप आपके पास रहता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो आप लोग, पहली बात तो ये कि जो अभी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बहुत से मार्केट में जो है भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें डिमोटिवेट किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा और ये मर्ज हो सकता है एग्ज़ाम, और ये बहुत सी चीज़ें हवा में जो है बातें की जा रही है। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि जो अभी का प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन्ड होगा किसी भी हालत पे, क्योंकि जो है वैक्सीन भी रशिया ने बना दी है और इंडिया भी जो है इस पर ज़ोर शोर से काम कर रहा है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी तो आप अभी से तैयार कर लीजिए कि लास्ट के जो 40-45 डेज़ हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज़ करें। तो इसमें देखिए, कोर सब्जेक्ट को आप लोग जो है कवर करने की कोशिश करें, प्लस करंट अफेयर्स को जो है पूरी तरीके से कवर कर लें, क्योंकि UPSC जो है इस बार करंट अफेयर्स के ऊपर जो है UPSC क्वेश्चन बना सकता है। इसके अलावा देखिए, आगे जो UPSC का 2021 का एग्ज़ाम है तो उसमें जो है आपको बहुत कम दिन मिले हैं, पूरे 365 दिन की बजाय 314 दिन ही आपके पास हैं। आपके पास 314 दिन हैं, तो अब इन 314 दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी जो 2021 में देने वाले हैं वो लोगों को बनाने देनी चाहिए। मैं आगे जो है मेंस के प्रीलिम्स के बाद में जो है इस चैनल पे जो है हम लोग पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, जिसमें आयुष मैम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ अभी चालू कर दी है, निवेदिता मैम लेके आएंगी करंट अफेयर्स और आस्तिक जी हिंदी मीडियम को संभालेंगे। तो पूरी टीम जो है आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स ला रहे हैं हम लोग, बिल्कुल फ्री रहेंगे सभी कोर्स हमारे चैनल की तरह और हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनकी तरह, और जूम सेशंस भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ कराते रहेंगे समय समय पे। तो पूरी होलिस्टिक तैयारी आप लोगों की होने वाली है आप IAS के साथ। तो 314 दिन आपके प्री के लिए नोट कर लीजिए, अभी से टारगेट बना लीजिए, रोज़ का एक दिन क्रॉस करते जाइए 314, फिर 313, और लगभग उसके बाद आपके पास बचेंगे 82 डेज़ आपके मेंस के लिए। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो अभी का प्रीलिम्स है लगभग आपके 43-44 डेज़ आपके बचे हुए हैं, तो अब इन 40-46 दिन को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास नहीं है कोई, आप लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। बट आप लग जाइए 2021 के लिए, क्योंकि UPSC ने जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो किसी भी कीमत पर पोस्टपोन नहीं होने वाला है। ये समझ लो कि या तो ऊपर से मीटियोरॉयड आके गिरे और अर्थ जो है तबाह होने की कगार पर, तो UPSC जो है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने वाली है 2020 के, वरना किसी कीमत पे UPSC जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की कीमत पे नहीं है। देखिए, इसीलिए UPSC ने जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर बदलने का भी जो है एक ऑप्शन दिया था, बट जिन्होंने नहीं बदला उनके लिए रिग्रेट की बात है, बट UPSC ने अब क्लेरिफाई कर दिया कि 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जो है बेल आइकन भी दबा लो, और व्हाट्सएप पे हम लोगों से जुड़ सकते हो आप लोग जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का वो है, तो उसमें हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको जूम सेशंस और बहुत सी चीज़ें जो है आपको फ्री में अवेलेबल रहेंगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अपने ऐप का लिंक दे रहा हूँ, हम लोगों ने अभी प्ले स्टोर पे जो है ऐप भी पब्लिश कर दिया है, तो उस ऐप में जो है हम लोगों ने सभी टॉपर्स के नोट्स और अपकमिंग जो भी टॉपर्स होंगे उनके भी नोट्स और जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी वो भी आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री। तो बने रहिए टीम आप IAS के साथ, हमारा प्रयास यही है कि हर गांव से एक IAS निकले, वन डिस्ट्रिक्ट वन कलेक्टर प्रोग्राम भी हम लोग जो है लेके आएंगे जल्दी, तो मुझे लगता है हर डिस्ट्रिक्ट से एक कलेक्टर होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन कलेक्टर जो प्रोग्राम है वो हम लोग चलाने जा रहे हैं। तो सभी लोग बने रहिए आप IAS के साथ, वी विल बी बैक सून